हे गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज 9 अप्रैल है और नवरात्रि का पहला दिन है, तो आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। माता रानी आप सबको अच्छा स्वास्थ्य दें, सबकी रक्षा करें, सबका ख्याल रखें। ये वीडियो आज जो मैं बना रहा हूँ, इसमें बेसिकली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई भी इवेंट्स में दौड़ के आते हैं, मैराथन हो या हाफ मैराथन हो, स्पेशली जो लॉन्ग डिस्टेंस के रन्स होते हैं, उसके बाद रिकवरी कितनी इम्पॉर्टेंट है और मेरा क्या तरीका रहा रिकवरी का। यहाँ पे रिकवरी से मतलब है कि अपनी बॉडी को, अपनी मसल्स को आराम देना, उन्हें रिलैक्स कराना। तो 31 मार्च को लास्ट संडे मेरा 21 किलोमीटर का अहिंसा रन 2.0 हाफ मैराथन का इवेंट था, जिसे मैंने लगभग 2 घंटे 6 मिनट में पूरा किया। पिछले मैराथन इवेंट से इम्प्रूवमेंट देखा मैंने लगभग 1.5 मिनट का। तो तब शुरुआत में मैंने ये सोचा था कि मैं जब रन करके आऊँगा वापस, तो मैं लगभग 3 दिन का रेस्ट करूँगा, मतलब 3 दिन तक कोई रनिंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो मैंने 3 दिन रेस्ट किया, लेकिन बीच में हुआ ये कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई बाहर का खाना खाने की वजह से, तो मेरा वो 3 दिन से एक्सटेंड होके चला गया 6 दिन। तो लगभग 6 दिन मैंने रनिंग नहीं की। अब इस केस में मैंने ये तरीका अपनाया कि 3 दिन तो रेस्ट किया, लेकिन ज़रूरी है ना कि आप एक्सरसाइज की फॉर्म में आए, अपनी बॉडी को वार्म करें, है ना, क्योंकि आपको वापस रूटीन में आना है। तो उसके लिए मैंने अपना जो वेट ट्रेनिंग मैं हमेशा करता हूँ डंबल्स वगैरह के थ्रू, वो मैंने कंटिन्यू कर दिया था 3रे दिन के बाद ही। और उसके अंदर मैंने अपना जो भी एक्सरसाइज हैं, स्ट्रेचिंग हो गया या डंबल्स के जो भी एक्सरसाइज हैं, वो सभी की। और उसके बाद जो मैंने अपना पहला रन किया वो था अभी संडे को। संडे को मैंने लगभग 2 बारी में रन किया। तो पहला रन मैंने संडे को सुबह किया 4 किलोमीटर का, 4.5 किलोमीटर का। वो लॉन्ग डिस्टेंस रन नहीं था, वो केवल ये था कि हाँ थोड़ा सा अपना इंजन वार्म अप करो, थोड़ा बॉडी को वापस रनिंग के उसमें लेके आओ, फॉर्म में लेके आओ। उसके बाद लेकिन शाम को मैं वापस ग्राउंड गया और मैंने पूरे 10 किलोमीटर का रन किया। और उसके बाद फिर मैंने एक दिन का रेस्ट लिया और फिर आज फिर मैंने 10 किलोमीटर का रन सुबह सुबह किया। तो रिकवरी, ये मेरी रिकवरी रही, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि यार रिकवरी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, इवेंट से पहले हम लगातार ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। अभी 21 किलोमीटर वाला जो मेरा इवेंट था, इससे पहले मैं लगातार 1 महीने तक ट्रेनिंग कर रहा था, उसमें मैंने ज़्यादा रेस्ट नहीं लिया था। तो जब इवेंट कर लिया मैंने और थोड़े जो मेरा टारगेट था वो भी थोड़ा बहुत अचीव कर लिया, तो उसके बाद ना रिलैक्स करना, बॉडी को आराम देना बहुत ज़रूरी है ना। आपकी मसल्स को, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, उनका थोड़ा मसाज करना, है ना, हल्का फुल्का चलना फिरना, ज़्यादा उनको स्ट्रेस में नहीं डालना, ये बहुत ज़रूरी है। तो रिकवरी पे हमेशा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये तो मेरा अनुभव रहा रिकवरी का, और यही इसी तरीके का मेरा स्ट्रेटेजी था जब मैंने पहला हाफ मैराथन किया था, उसके बाद भी उसी को मैंने दोबारा कंटिन्यू किया है। अब मैं वापस ट्रेनिंग शुरू कर चुका हूँ, ठीक है। और अब मेरी जो नेक्स्ट रन है वो 21 किलोमीटर की नहीं है, वो है 10 किलोमीटर की। उसका नाम है TCS वर्ल्ड 10K। ये इवेंट कहाँ होने वाला है? ये इवेंट होने वाला है बेंगलुरु में 28 अप्रैल को। तो आज ही 9 अप्रैल हो चुकी है, तो मुश्किल से हमारे पास 19 दिन का समय बचा हुआ है ना। तो अभी मेरी उसकी ट्रेनिंग मैंने शुरू कर दी है। टारगेट मेरा ये है कि मैं इसको, मतलब कोशिश कर रहा हूँ कि 56 मिनट्स में कर लूँ। देखिए, सुनने में लग सकता है कि यार ये तो बहुत कम, मतलब प्रोग्रेस होगी, लेकिन मेरा यही अनुभव है कि रनिंग के अंदर ना जरा जरा से सेकंड्स का भी इम्प्रूवमेंट बहुत एफर्ट मांगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता भी उसके अंदर। तो मैं यही कोशिश कर रहा हूँ और देखते हैं कैसा रहता है। मेरी स्ट्रेटजी जो है अगले इवेंट के लिए वो यही है कि मैं हर 1 दिन छोड़ के अपना रनिंग करूँगा, 1 दिन का बीच में गैप रखूँगा। वो जो 1 दिन का गैप है उसमें मैं अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ध्यान दूंगा, है ना। तो बस इतना ही छोटा सा ही वीडियो बनाना था मुझे, बस अपना शेयर करना था, अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस रिकवरी का और अपनी नेक्स्ट रेस के बारे में।
तो अगर आप में से भी कोई TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु में आ रहा है, हाँ, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करिए, है ना? और टेक केयर, बाय।